आज के दिन जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और नीति बनाने के लिए कटिबद्ध है, आज परिषद के जब 30 कर्मचारी परिषद कार्यालय पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि परिषद के सभी कर्मचारियों के 30 कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी निकाल दिए गए हैं, जिसके कारण उनके सामने विकट समस्या हो गई है। उल्लेखनीय है कि परिषद के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, मांगने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और जो इंक्रीमेंट वगैरह का जो प्रावधान था वो भी नहीं लगाया गया है। अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बात को सुनने के लिए परिषद में कोई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद नहीं था जो कि किसी बात को बता सकता था कि क्या कारण है, क्या समस्या थी, क्यों किस वजह से इन कर्मचारियों का वेतन काटा गया, क्यों किस लिए इनको निकाला गया। हम सभी आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात को पहुंचाने कष्ट करें। जिस तरह से परिषद की छवि धूमिल करने का प्रयास हो रहा है, बात बात में उसको दिखाया जाता है कि बहुत अनियमितताएं हो रही है, उसका केवल ढोंग किया जा रहा है, जबकि अनियमितताओं के नाम पर कुछ ऐसा खास नहीं है, अन्यथा जांच में अब तक बहुत सी चीजें आ गई होती हैं। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि DSP के कर्मचारी जो कि परिषद में कार्यरत हैं उनको 5-5 महीने से वेतन नहीं मिला है, उनके निकालने की तैयारी हो रही है और ये सब कार्य इसलिए किया जा रहा है कि अपने लोगों की भर्ती की जा सके, जिससे कि अपने लोगों के लिए रास्ता साफ हो सके और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। हम सभी आप लोगों से सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं और आशा करते हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री जी क्या बोल दिया।